खरगोन में बलवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम झिगड़ी में इन दिनों अवैध शराब निर्माण खरीदी बिक्री का दौर लगातार जारी है, जिसमें शराब बंदी को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। हम आपको बता दें कि गांव के युवा शराब के आदि हो चुके हैं, जिनके घरों में आए दिन विवाद हो रहे हैं। साथ ही महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। इसी बात को लेकर शराबबंदी को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि संबंधित थाने पर सूचना देने के बाद भी शराब का व्यवसाय धड़ल्ले चल रहा है, जिसके विरोध में वो जिला मुख्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। दारू बंद करवाने का चीज इसके लिए आवेदन दिया बलवाड़ा थाने में, कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसके लिए हमको कच्ची दारू बंद करवानी है। प्रतिम बंद लगवाने के लिए जो कि हमारे थाना प्रभारी बलवाड़ा लगता है, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, इसके लिए हमें एसपी कार्यालय आना पड़ा। क्या समस्या क्या है? समस्या कच्ची शराब बेचने के कारण, क्योंकि ये हमारे गांव में महिलाएं असुरक्षित महसूस करने लगी दारू के, कच्ची दारू की शराब की वजह से, जो कि बहुत बड़ा संकट है हमारे समाज पर। हम भलाई समाज से आए हैं, जो कि महिलाएँ अपने ही बच्चों के साथ असुरक्षित महसूस करने लगे घर के अंदर ही, क्योंकि बच्चे दारू पीकर घर में गाली गलौज करते हैं एंड आए दिन झगड़ा करते हैं। इस कारण हमें यहाँ पे आना पड़ा। ऐसी कितनी दुकानें हैं कच्ची सर? कच्ची की दुकानें एक तो हमारी इधर अगर गांव में बंद हो जाती है तो आसपास के गांव में से पार्सल किया जाता है, सप्लाई किया जाता है कच्ची दारू, जहाँ पे लालपुरा आता है और गोबरी खेड़ा से ट्रांसफ़र किया जाता है, कच्ची शराब सप्लाई की जाती है। अगर हम समझाने जाते हैं तो गाली गलौज करते हैं और बोलते हैं कि हम झगड़ा करेंगे तुम्हारे गाँव में आके, तुम्हें मारेंगे ये करेंगे, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता आगे। अभी आप साहब से मिले क्या आश्वासन? हाँ, साहब से मिले हम अभी, दोनों ने बोला हम SDM को आप पहुंच जाना वहाँ पे कार्यालय SDM में बड़वाहा में आपको देना है आवेदन, वहाँ पे हम करवाएंगे आपका काम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मानक प्रसाद। क्या नाम? मानक प्रसाद। कहाँ से? झिगड़ी ग्राम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।